देखिए दोस्तों, मेरे साथ अभी वो मेहमान जुड़ चुके हैं जो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ आए थे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब को भी यहाँ पे रुकना था, लेकिन किसी कारणवश वो जल्दी में थे, वो निकल गए, लेकिन कुछ मेहमान पीछे आए जिनको जमजम रेस्टोरेंट की तरफ से दावत दी गई है और वो लोग अभी खाना खा के नाश्ता करके बाहर निकले हैं, तो इनसे थोड़ा से हमारे सवाल आते वो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की मौजूदगी है जमजम रेस्टोरेंट में। दोस्तों, इस जमजम रेस्टोरेंट की तरफ से उन मेहमानों को दावत दी गई है जो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ दिल्ली से चल करके फिरोजपुर झिरका शहर पहुंचे थे। आखिर मौलाना अरशद मदनी साहब फिरोजपुर झिरका क्यों आए, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, करीब 20 नहायक गरीब मजलूम बेबस बेघर परिवारों को मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से, उनकी तंजीम की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं और साथ में 100 गज की प्लाट अलग अलग 20 परिवारों को दी गई है, जिनमें दोस्तों 3 हिंदू परिवार भी हैं जो बहुत ही गरीब थे उनके, और 1 लाख रुपए मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से यानी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दिया गया है। लेकिन जिस जगह, जिस लोकेशन पर मेरी मौजूदगी है, ये जमजम रेस्टोरेंट में वात का बहुत ही मशहूर और स्वादिष्ट खाना इस रेस्टोरेंट में दिया जाता है। यदि आप दिल्ली अलवर हाईवे से सफर कर रहे हैं तो कृपया एक बार सीरबास और बोडी कोठी के बीच में ये जमजम रेस्टोरेंट पड़ता है, इस पर एक बार खाना अवश्य खाएं, आपको बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, ये जो जमजम रेस्टोरेंट है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलता है। मौलाना अरशद साहब के साथ जो आए थे मेहमान, उनकी दावत इन लोगों ने अपनी तरफ से दी है, आइएगा। क्या नाम है सर आपका? असरारुल हक। अच्छा, तो आज आप मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ फिरोजपुर झिरका शहर आए थे। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी अजीम तरीन शख्सियत हैं, तो वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, पहले तो वो बता दीजिए। प्रोग्राम हुआ वो इसलिए हुआ कि यहाँ जो नूह में जो फसाद हुआ था जी, उसमें जिन लोगों का नुकसान हो गया था जी जी, किसी का कारोबार जला दिया गया, किसी की रेड़ियाँ जला दी गई, किसी के मकान तोड़ दिए गए, तो जमीयत उलमाए हिंद जो है वो एक तहरीक का नाम है जी। बिल्कुल, उस तहरीक का जो हमेशा मफलूज, अपाहिज, बेसहारा और जो परेशान हाल लोग हैं उनका सहारा बनती है जी। बिल्कुल, उसी सहारे को देने के लिए हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम अलिया यहाँ तशरीफ लाए थे जी, और एक कॉलोनी जमीयत के नाम से यहाँ कायम की गई है जी। जिन लोगों अच्छा, ये जो कॉलोनी है जमीयत के नाम से इसको जी 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 अच्छा बसाया गया है, बताया गया, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों ही को वहाँ प्लॉट दिया गया जी जी जी, हिंदू परिवारों को भी दिया गया है, और जिन परिवारों ने ये कह दिया था कि यहाँ हम मुसलमानों के बीच में नहीं रहना चाहते, हाँ। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, आप नहीं रहना चाहते तो हम आपको नकदी देंगे, आप चाहे चाहें वहाँ मकान बना सकते हैं, ठीक है। तो हजरत ने 1-1 लाख रुपए के चेक उनको दिए जी जी। बिल्कुल, तो अभी आप जमजम रेस्टोरेंट में आए हैं, ये मेवात का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है, जिस हमने सुना है, खाया भी है, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ तो असल में हमारे शागिर्द हैं मौलाना साद साहब जी, सर जी, मदरसा आलिया फतेहपुरी से फारिग हैं जी, और मेरा बड़ा करीबी रहा है ये जी, तो इनकी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। अच्छा, और हजरत हमारे कारी मोहम्मद साजिद साहब फैजी हैं जी, जो जमीयत उलमा दिल्ली के स्टेट के सेक्रेटरी हैं जी, और इनका भी ताल्लुक यहीं से है जी, लेकिन चूँकि जो दाई है जी, उसकी मोहब्बत और उसकी लगन हमें यहाँ खींच के लाई है, और इससे पहले भी यहाँ उलमा आते जाते रहे हैं जी, क्योंकि उलमा से ख़ास मोहब्बत इनके परिवार को है जी, और इनके परिवार ही को नहीं है, बल्कि मेरठ का जो 1-1 बच्चा है वो उलमा से मोहब्बत करने वाला है जी, बिल्कुल जमीयत से मोहब्बत करने वाला है, और यहाँ का जो दस्तरखान है वो बहुत वसी है जी, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो काबिले दीद है जी, और हर एक आदमी को यहाँ की मेहमान नवाजी को देखना भी चाहिए और चखना भी चाहिए जी। दूसरी बात, यहाँ का दस्तरखान वसी होने के साथ साथ जी मिठास से भरा रहता है। अच्छा। अभी मैं वक्त निकाल के आया हूँ तो यहाँ वो खीर ज़रूर खाइए, मेरे ख्याल में इंडिया के किसी हिस्से में वो खीर नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए असराउल हक है, इन्होंने हक की बात की है,
और मेवात के लोगों की तारीफ की है, मेहमान नवाजी जो यहाँ पे की जाती है बाहरी लोगों के लिए उसी की तारीफ आज मौलाना साहब ने की है। अब एक और शख्स है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साजिद फैजी जी। कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला तो मैं यहीं से हूँ, मेवात से। मेरा गाँव मालव है। मालव मैं तभी 45 साल हो गए दिल्ली में। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज मौलाना अरशद मदनी साहब ने? गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को थोड़ा थोड़ा सहारा दिया है, 100 गज की प्लाट और 1-1 लाख रुपए दिए। जी जी, असल में ऐसा है कि हम अव्वल दिन से जब यहाँ नौ में हादसा वायलेंस हुआ था जी, हाँ, उसी वक्त से हजरत हमको भेजा जी कि भाई देखता हूँ वहाँ क्या क्या हालात हैं जी और लोगों को क्या ज़रूरत है जी। तो हम यहाँ आए, हमने लोगों को मुकदमात के सिलसिले में यहाँ आए, जहाँ जहाँ लोगों को परेशान थे वो देखी, जहाँ मकान तोड़े, जहाँ बिल्डोजर चले वहाँ हम गए, सर्वे किया। शुरू में हम आए तो हजरत ने कहा भाई जिनकी रेहड़ियाँ जल गई हैं जी, ऐसा है उनको शुरू उनका काम शुरू हो जाए जी। तो उस वक्त हमने 200 तकरीबन लोग थे वो जी, उनकी फहरिस्त बनाई हमने। फिर हजरत उनको कहा कि भाई इनको चेक दिखाओ, तो 20,000 रुपए का उस वक्त हमने हमें चेक दिया था। फिर हमने सर्वे किया कहाँ कहाँ मकान, बिल्डोजर जहाँ जहाँ चले, सिद्धराउट में चला, वहाँ एक और है वो कौन सी जगह है। अभी आपने चिन्हित करें जो ज्यादा ही गरीब परिवार उनके लिए दिया। हाँ, ये जो है ना बिल्कुल इनका बेचारों को ना गाँव में कोई जगह है न कहीं दूसरी जगह थी इनको रहाइश के लिए, तो इसलिए उन लोगों को दिया गया है। ना गाँव में कोई जमीन है ना कहीं और अपनी जगह नहीं थी, ये सरकार की जगह थी, उन्होंने तोड़ दिया, वो बेचारा जमीन पा गए। अच्छा, तो उनके लिए ये पैसे दे गए कालोनी जमीयत की तरफ से। तो जमीयत उलमा एक ऐसी जमात है जो हमें 100 साल पुरानी जमात है, गरीबों जो, जो गरीबों को साथ रहती है। इसमें मजहब को नहीं देखती, वो मजहब से ऊपर उठकर बात करती है जी। और ये गंगा जमनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की उस पर कायम करती है, हर हर उसमें जात और मजहब को नहीं देख, ठीक है, उससे ऊपर उठकर काम करती है। ठीक है, और बहुत खुशी हुई यहाँ के जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह, आज अच्छा रहा सर का प्रोग्राम जी। बहुत थैंक यू सर जी। सर आप कहाँ जाएंगे अब? अब हम एक मदरसा मौलाना यूसुफ का उसमें जाएंगे। अच्छा, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे जी। तो जिस रोड से आप जाएंगे ना, इसे खूनी रोड कहते हैं यहाँ का लोग, सरकार ध्यान नहीं देती है, आराम से गाड़ी चलाना। हम सरकार को कहेंगे इस रोड का ध्यान रखें और यहाँ के आवाम की खिदमत करें और आवाम के लिए फिर बस्ती हटा करके और इंसानियत के हिसाब से यहाँ पर सड़क बना के हर आवाम की, क्योंकि आप दिल्ली से आए इसलिए आपको बताना जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूनी रोड है और बहुत हजारों लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान है नहीं यहाँ पर। सरकार को ध्यान चाहिए सरकार। चलिए ठीक है, आप गाड़ी आराम से चलाना। ओके दोस्तों, अभी मेरे साथ में जमजम रेस्टोरेंट का जो मालिक है, जो ऑनर है, वो जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद साद। अच्छा, आप ये बताइए, जो मेहमान आए थे दिल्ली से मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ जी, आपने इनको दावत क्यों दी थी? सर असल में मौलाना अरशद मदनी साहब भी यहाँ आने थे, लेकिन अच्छा, हजरत की तबीयत ज़्यादा नासाज होने की वजह से वो दिल्ली में एक्सपायरी से चले गए। ठीक है, ये मैं उस्ताद हैं और मैं बहुत ही जी हाँ मैं उस्ताद हूँ। देवबंद से? मैंने फांसी से जलालैन झिमावर के मदरसे में पढ़ाई की है, 2 साल दिल्ली में पढ़ाई की है मैंने। 2013 और 2014 में मैंने मौलवियत से फारिग हुआ हूँ, उसके बाद मैंने झमावट से ही हिफ्ज किया है। तो इन्हें उस्ताद से मुझे अचानक गए और मैंने इनको दावत दी और इन्होंने मुझे अपने दुआओं से काफ़ी नवाजा और यहाँ हमारे यहाँ हाजिर। ठीक है, तो आप हाफिज़ कुरान है कि मौलवी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी भी हूँ और हाफिज़ भी हूँ। आपको तो कहीं किसी मकतब मदरसे में होना चाहिए था, आपने होटल खोलने का आइडिया कहाँ से आया? दरअसल सब आवाम की यही सोच हुई पड़ी है कि भाई उलामा और हुफाज का काम सिर्फ और सिर्फ मसाजिद और मदारिस में पढ़ाना है, तो लेकिन मेरा मानना है जी, और अल्लाह के रसूल ने तिजारत के लिए काफ़ी तिजारत को सुन्नत बताया। जी हाँ, तिजारत को सुन्नत भी बताया है और मतलब मैं आप दीनी पढ़ाते हुए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मकतब में पढ़ाता भी हूँ जी। अच्छा, मैं दोस्त के मकतब है, वहाँ मैं 1-2 घंटा पढ़ाई भी पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, और मैं साथ में बिजनेस भी करना चाहता हूँ और ये काफ़ी पहले से शौक भी आया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हाफिज कुरान मौलवी और मुफ्ती ऐसे हमें टकराते हैं जो कहते हैं कि यार हमें तो सिर्फ साल में सिर्फ वही बाँच मिलती है जो एक साल में मिलती है जब ये तरावी पढ़ाते हैं, बाकी पूरे साल में जो हर महीने हमें ना कोई सैलरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। ये भी सच्चाई है कि जो भाई ने बताया कि हाफिज कुरान और मौलवी हैं, लेकिन इस दीनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है। नबी ने तिजारत को सुन्नत बताया है, इसलिए उन्होंने अपनी होटल खोली है, सल मकतब भी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और जो भी काम उनका है दीन के एतबार से वो भी करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो यही मैसेज दूंगा इस लाइन के जो भाई हमारे, कि वो जब ये पढ़ाई पढ़ करके आते हैं मस्जिद मदरसे से, तो
वो अपना कोई काम दुकान वगैरह बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीके से करें। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के करें। बहुत अच्छा। आपका जो रेस्टोरेंट है वो कैसे चल रहा है फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रेस्टोरेंट जितने मैं समझता हूँ कि जितने भी फिरोजपुर में रेस्टोरेंट है या हमारे अतराफ में रेस्टोरेंट है, उनसे इतने कम वक्त में और जो हमने देखा है शायद सबसे अच्छा हमारा रेस्टोरेंट आज की तारीख में चल रहा है। रेस्टोरेंट आपका साफ सुथरा खूबसूरत बहुत है, बस आप हजार की दुआ से, और अगर हम ही सफाई नहीं रखेंगे मुझे लगता है। नाम कहाँ से चुना जमजम? बस हमने अपने कुछ साथियों से और असातिज़ा से मशवरा दिया क्या, और उन्होंने मुझे नाम सेलेक्ट किया। तो कभी जमजम का पानी पिलाया ग्राहकों को? जी हाँ पिलाया जी। तो पिलाना तो चाहिए क्योंकि जमजम नाम है जी। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मेरे पास रखा हुआ था, एक दो साथियों ने पिलाया, वो इत्तेफाक से है। हाँ मेरे पास कभी कभी पिला देते हैं जी। हाँ इत्तेफाक से था। तो मेरा एक सजेशन आपको जी, आप हमेशा जी यहाँ पे एक एक कट्टी पानी रखा करो जमजम का, इंशाल्लाह ज्यादा पैसे का नहीं आता, दिल्ली से मिल जाता है इंशाल्लाह। उससे क्या है कि कभी कभी एक दिन बना लो महीने में, या भाई इस दिन हमें जमजम का पानी इंडिया के पानी मिलाकर चाय पिलाओ, क्योंकि नाम जमजम तो उससे और मुझे लगता है कि शायद बरकत होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पानी है। तो अभी आप यहाँ के जो रोड से सफर करने वाले भाई बहन है, दिल्ली अलवर हाईवे से, आपका जो रेस्टोरेंट है इसका नाम जमजम है, कहना चाहते हो कि हम मेरे पास एक बार खाने खाने के लिए आए, वो बहुत एक्सपर्ट है जी, और मैं फीडबैक खाने में जैसा फीडबैक लिया जाता है, मैं फीडबैक लेता हूँ तो वो काफी तारीफ करता है, तो मुझे उससे बहुत हौसला मिलता है। खाने में क्या क्या मिलता है? हमारे पास चिकन मिलता है, मटन मिलता है, चिकन मटन पनीर दाल चने मसाले वेज नॉन वेज, और इनके काफी आइटम मिलते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 3991617206। एक बार हिंदी में बता दीजिए। 99916-17206। युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे इस जमजम रेस्टोरेंट को लेकर? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ सर, जब आप खाना ही खाओ तो अच्छा खाना खाए, और कम दाम में अच्छा खाना मिलना चाहिए जी। सभी के लिए एक बार मौका दे खाना खाने का, एक बार खाने का मौका दे। ठीक है, देखिए भाई ये थोड़ा मीडिया के सामने कमी आए हैं इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है, हालांकि पढ़े लिखे हैं, तो मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं और आप इस रोड से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपका दिल करता है किसी अच्छी और बड़ी होटल में आज खाना खाना है, कोई पार्टी करनी है, सगाई करवानी है, सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप फिरोजपुर के आसपास से गुजर रहे हैं या फिर किसी अच्छी होटल में खाना का मन है आपका, या आपके कोई दोस्त हैं मेहमान हैं या कोई फंक्शन है, तो आप बेझिझक होकर के जमजम रेस्टोरेंट में आएँ और बेहतर खाना खाएँ, कम पैसे में ऊंचे लेवल का उच्च कोटि का खाना यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे यहाँ पे मंत्री आ जाए चाहे कोई नॉर्मल इंसान आ जाए, सबके लिए वही इज्जत मिलती है जो हर एक ग्राहक को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और एक बार खाना खाने का मौका एक बार इनके लिए अवश्य देंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।